हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके सामने एक मेकअप करके दिखाऊंगी जो कि मैं रोज़ करना पसंद करती हूं, क्योंकि मैं घर में रहती हूं जिस टाइम पर, उस टाइम मुझे मेकअप करना तब भी पसंद है, बट बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत मेकअप रोज़ के लिए भी अच्छा लगता है। तो मैं आज आपको वो मेकअप दिखाऊंगी कि जबकि मैं घर में रहती हूं, जो कि मैं डेली बेसिस पर करती हूं, जो मेकअप वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ओले की नेचुरल वाइट विद SPF 24 ये क्रीम लूँगी और इससे मैं अपना फेस को मॉइस्चराइज करूँगी। मैं डॉट डॉट करके अपने फेस पर लगाऊँगी और उसके बाद मैं इसको अच्छे से अपनी फिंगर्स से मसाज दूँगी, जिससे कि ये मेरी जो मॉइस्चराइज़र है मेरी स्किन में अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। इसके बाद मैं एक ओरिफ्लेम का अपना लिप बाम लूंगी, जिससे मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करूंगी। इसके बाद मैं फिट मी मेबलिन का एक कॉम्पैक्ट लूंगी और इसके स्पॉन्ज की मदद से मैं इसको अपने फेस पर लगाऊंगी। कॉम्पैक्ट जो है हमारे फेस पे एक बहुत हल्का कवरेज देता है, इसलिए मैं इसको कॉम्पैक्ट को यूज़ करूँगी। मैं यहाँ पे फाउंडेशन या कंसीलर कुछ भी यूज़ नहीं करूँगी, सिर्फ कॉम्पैक्ट यूज़ करूँगी। इसके बाद मैं एक शुगर कॉस्मेटिक्स का कोल काजल लूँगी और इसको मैं अपने वाटर लाइन पर लगाऊँगी, क्योंकि आप कुछ भी मेकअप करें, अगर आप सिर्फ काजल लगा लें तो आपका मेकअप बहुत अच्छा दिखता है। इसलिए मैं अपनी वाटर लाइन पर ये ब्लैक कलर का काजल लगाऊँगी। इसके बाद मैं लैक्मे की 925 एक लिपस्टिक लूंगी, एक न्यूड शेड लूंगी मैं इसमें, ये देखिए ये ब्राउन टोन शेड है, और इसको मैं अपने लिप्स पर लगाऊंगी। मैं बुलेट लिपस्टिक इसलिए लगाना प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये अपने हमारे लिप्स को हाइड्रेटेड भी रखती है और इसको रीअप्लाई करना बहुत ईजी रहता है। एंड एट लास्ट, फॉलोइंग द इंडियन ट्रेडिशन, आई विल अप्लाई सिंदूर और लास्ट में मैं अपने हेयर्स को कोम करूंगी। कभी मैं इनको हाफ क्लच करती हूँ और समटाइम आई मेक अ पोनी टेल। दिस इज माई फाइनल लुक फॉर डेली पर्पस। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।